बिस्मिल्ला इसम अलादा ए भी गहना पारा हू नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हू हदों वध दरूद नबी नू जिदा एड पसारा हू मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिना मिलिया नबी सहारा हू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम FM पंजाब रंग 99.4 तो तुसी इस वेले नासिर अहमद की आवाज़ सुन रहे हो। रावलपिंडी इस्लामाबाद मरी कोटली सत्तियां कहूटा आज़ाद कश्मीर के इलाके गोजरा गोजर खान टैक्सला फतेह जंग जिथे जिथे मेरी आवाज़ अ पड़ी है तो जिथे मेरी आवाज़ ते पड़ी है उस शहर के थान का मैं ना नहीं लै सकिया तो सारियां नूं जी आए नूं कहने आ। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नाल इस वेले पेश किया जा रहा है प्रोग्राम नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर जुमे नूं सवेरे 10 to 12 तक यह प्रोग्राम पेश किया जाता है। अज भी असी तुहाडी खिदमत विच हाजिर हाँ। पिछले प्रोग्राम च असी गल कर चुके हैं अजवाजे मुताहरात दे हवाले नाल हज़रत हदीजा रजी अल्लाह ताला अनहा ते हज़रत सौदा रजी अल्लाह ताला अनहा उन्हां दी मुबारक जिंदगी दे हवाले नाल। अज असी गल करांगे हज़रत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अनहा उन्हां दे बारे दे विच। इस दे नाल नाल अहलाके हसना दे हवाले नाल असी गल करांगे मां बाप दा हक ते मकाम। तो साढ़े प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वह असी 3 हिस्सों में तकसीम किया है तो अखीर से असी जो सवाल ने उन्होंने जो सवाल चुने है वह है कुरान पढ़ने का तरीका कुरान असी किवें पढ़ सकते हैं किवें पढ़िए। तो साढ़े मौजूद ने वहाज अहमद साहब वो अज इन 3 मौजूआत पर गल करेंगे। वहाज साहब असी तो FM पंजाब रंग के वेड़े जी आनू कहने जी ते प्रोग्राम का बकायदा आगाज करना एक हमदिया कलाम तू फिर परत के आने वापस ते सीरत दे हवाले नाल सब तो पहले गल करांगे हज़रत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अनहा दे हवाले नाल। तुसी भी साढ़े प्रोग्राम का हिस्सा बनो सानू मैसेज करो 0333-9291-523 ते सानू कॉल करो 0151-9291-520 ते। तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 ते इस वेले पेश किया जा रहा है प्रोग्राम नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हर जुमे नूं सवेरे 10 to 12 तक यह प्रोग्राम पेश किया जाता है ते तुसी भी साढ़े प्रोग्राम का हिस्सा बनो सानू मैसेज करो 0333-9291-523 ते तुहाडे सारे सुनने वालियां लई एक बड़ा जरूरी सुनेहा है एक ऐलान है कि FM पंजाब रंग 99.4 वालों अज पंजाब आर्ट्स काउंसल दे विच एक खसूसी नशिस्त दा अहतमाम किया गया जिदे विच वहाज अहमद साहब सीरत निगार ने ते सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले नाल गलबात करनगे। तुसी भी इस प्रोग्राम दा हिस्सा बन सकते हो ते शामी 6 तुसी पंजाब आर्ट्स काउंसल अपड़ो ते इस प्रोग्राम का हिस्सा बनो। लो जी एक तकनीकी मसले की वजह तो थोड़ी ताहीर होगी जिदे असी थोड़े को माजर चाहते हैं तो फिर तुम दसदा चला कि प्रोग्राम पेश किया जा रहा है नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं एक ऐलान भी किया है कि अज शामी 6 तुसी पढ़ना है पंजाब आर्ट्स काउंसल रावलपिंडी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नाल एक नशिस्त का अहतमाम किया गया है तो वहाज अहमद साहब सीरत निगार ने जिहड़े कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नाल गल करनगे ते तुसी भुलना नहीं जरूर पढ़ना शामी 6 तो अज का जिहड़ा प्रोग्राम है इहनूं असी 3 हिस्सों तकसीम किया। सब तो पहले असी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते गल करांगे असी गल कर रहे हैं अजवाजे मुताहरात ते ते अज असी गल करांगे हज़रत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा दे बारे च ते मैं गुजारिश करांगा वहाज अहमद साहब नूं कि अपनी गल दा आगाज़ करन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा दा तज़किरा पिछली नसीह च हल्का जिहा स्टार्ट होया सी अज इंशाल्लाह डिटेल नाल ज़रा तफसील नाल दे बारे सी इस टॉपिक दे बारे गल करांगे इंशाल्लाह सुणांगे सिखांगे। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिस तरह तुहानू सारे नू पता है इलम है तुहाडे च कि हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा दी बेटी सन ते हज़रत अबू बकर सदीक दी जोजा उम्मे रोमान जिन्हां दा असल नाम ज़ैनब सी रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हां तो इन्हां दी पैदाइश हुई। हज़रत अबू बकर सदीक दे इस तो पहले एक और शादी भी हुई सी इस तो पहले उम्मे रोमान तो पहले कतीला नाल शादी हुई सी ते गालिबन उन्हां नू उन्हें तलाक दे दी सी इस्लाम तो पहले। उदे बाद उम्मे रोमान नाल शादी हुई ज़ैनब उम्मे रोमान पहचानी जाती सन उन्हां तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी विलादत हुई।
ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸਮਾ ਬਿੰਤੇ ਉਮੈਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਲੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਫਸੀਲਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਮੈ ਉਮੈਸ ਅਸਮਾ ਬਿੰਤੇ ਉਮੈਸ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਤਯਾਰ ਜਾਫਰ ਬਿਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਸਨ। ਗਜ਼ਵਾ ਮੌਤਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਜਾਫਰ ਬਿਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਅਤੇ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਿਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਹ ਅਸਮਾ ਬਿੰਤੇ ਉਮੈਸ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਬਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦਾ ਹੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਦ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਹੱਜ, ਉਸ ਜਦੋਂ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਔਰ ਅਸਮਾ ਬਿੰਤੇ ਉਮੈਸ ਹੱਜ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਹਲੈਫਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹੱਜ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬੂਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ। ਔਰ ਉਸੀ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸਸਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਮਾ ਬਿੰਤੇ ਉਮੈਸ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸਮਾ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਨਬੀ ਸਸਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਸਲ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਅਹਿਰਾਮ ਪਹਿਨ ਲਏ ਅਤੇ ਹਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲਏ। ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਤਸਕਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਉਮੇ ਰੁਮਾਨ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਕਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਕਵਾਲ ਨੇ, 6 ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ, 15 ਵੀ ਹੈ, 14 ਵੀ ਹੈ, 17 ਵੀ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਹੱਕਿਕ ਸਕਾਲਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤਹਿਕੀਕ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਈਰਾਨੀਅਨ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਬ ਹਾਸ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਕਨਾਮ ਅਰਬ ਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਬੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਤਹਿਕੀਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਬੀ ਸਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂ 19 ਸਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਾਹ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ 50ਵੇਂ ਸਾਲ, ਗਾਲਬਨ 49 ਸਾਲ 6 ਮਾਹ 7 ਮਾਹ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਮਾਹੇ ਸ਼ਵਾਲ 'ਚ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੀ ਰੁਖਸਤੀ ਮਾਹੇ ਸ਼ਵਾਲ 'ਚ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਮਾਹੇ ਸ਼ਵਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਾਹ ਮੱਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਬੂਵਤ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਾਲ 10 ਨਬੂਵੀ 'ਚ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਵਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਨ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇਕਨਾਮ ਅਰਬ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 17 ਜਾਂ 19 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ, ਔਰ 20 ਜਾਂ 22 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਈ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੇ ਘਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਸਲੀਮਨ ਕਸੀਰਨ ਕਸੀਰਾ। ਇਹ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੀ ਨਬੀ ਸਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਫਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਫਾਕਤ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, 5 ਸਾਲ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ, 50 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, 5 ਸਾਲ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਾਹਰੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਾਹਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੀ ਬੜੀ ਚਹੇਤੀ, ਬੜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਜ਼ੌਜਾ ਸਨ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਨਬੀ ਸਸਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਾਹਰਾਤ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਤਮਾਮ ਪਿਛਲੀ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਖਸੂਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਾਹਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਬੀ ਸਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਉਲਫਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਸਸਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਬੀ ਸਸਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਬਿੰਤੇ ਸਦੀਕ, ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਦੇ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੇ ਕੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਸਸਮ ਨੇ ਖਵਾਬ ਦੇਖੇ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਤਬਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸਸਮ ਨੂੰ ਜਿਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਦਿਖਾਈ, ਔਰ ਜਦ ਨਬੀ ਸਸਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਸਨ।
उन्होंने उन्होंने पछाड़ लिया और नबी सत ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला दी तरफों है तो लाजमन हो के रहेगा तो हो के रहा। ऐ जनाबे वाला हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा मकाम और उन्हां दी नबी सत्तम दे नाल ज़ौजियत दे इब्तदाई मामलात ने। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी रास्तगो बड़ी आलमा फाजिला खातून ने और साहबा दी पूरी लिस्ट च हज़रत अबू हुरैरा दे बाद सब तो ज़्यादा हदीस जिहड़ी मरवी ने रवायत की जाती है वह हज़रत आयशा तो ने। खवातीन सब तो ज़्यादा ते रावियानी हदीस दूसरे नंबर ते हज़रत आयशा ने गालबन 2287 के करीब हदीस उन्हां दी रवायत ने और उन्हां विचों गालबन 100 के करीब हदीस जिहड़ी मुत्तफिक लैने गालबन 78 ने 78 हदीस ने जिहड़ी मुत्तफिक लै वह हदीस जिहड़ी सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों मौजूद ने उन्होंने मुत्तफिक लै कहते हैं। यह हदीस सब तो ज़्यादा अबू हुरैरा के बाद हज़रत आयशा सिद्दीका दे ने जिहड़ी तादाद 70 ते 78 बनदियां ने। हज़रत आयशा सिद्दीका के मामलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े करीबी सन और बड़े तफसीली मामलात ने उन्होंने तफासिल बहुत ज़्यादा मिलते हैं उन्होंने तो सानू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी जी हालात ने अजवाज मतहरात के नाल उन्हों की बहुत खूबसूरत तफासिल मिलते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल मुख्तलिफ जो जंग गजवात रहे ने उन्होंने खसूसन आखिर फिर हज जरा मौका से उसदे शमूलियत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजवाज मतहरात के नाल मामला मुख्तलिफ गजवात और सफर के दौरान यह होंगे कि नबी ससन कुरानदाजी करते सन जिस तरह लाटरी या टॉस तुसी कहते हो वह कुरानदाजी जिदा ना आना सी ते ओ नबी ससन दे नाल जांदियां सन गालिबन एक या दो। लेकिन जिहड़ा हज वाला मामला सी और जिहड़ा उमरे वाला सी उमरतुल कज़ा वाला मामला उस विच हज विच खुसूसन सारी अज़वाज मुतहरात शामिल होईयां और उस वजह से हज के मामलात तुहानू हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत सारे अकवाल तुहानू नज़र आते हैं जिथे तुहानू पता लगता है कि हज के मुख्तलिफ अराकीन किस तरीके नाल अदा किए जाते सन। यह तफसीली मामलात मैं इंशाल्लाह तुहानू गोश गुजार करदा रहांगा तो प्रोग्राम में इंशाल्लाह हुण अगे चलांदे हां जी। मेहरबानी जी असीं गल कर रहे हैं सीरत के हवाले नाल अज साडा मौज़ू है हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो जिस तरह कि मैं तुहानू पहले दस दिता है कि अज असीं प्रोग्राम नू तीन हिस्सों में तकसीम किया। सब तो पहले असीं सीरत ते गल करांगे इस तों बाद असीं गल करांगे अस्वाए हसना ते उहदे साडा अज मौज़ू है माँ बाप का हक ते मुकाम। तो प्रोग्राम के अखीर विच तुहाडे सवालों विचों असीं जिहड़ा सवाल अज चुणिया है कुरान किवें पढ़ीए कुरान पढ़न का तरीका ते असीं तीन मौजूआत ते गल करांगे। तुसीं वी साडे प्रोग्राम का हिस्सा बनो सानू वट्सएप ते मैसेज कर लो साडा नंबर है 0333-9291-5030 ते आ फिर कॉल ले सानू कॉल करो 0151-9291-5020। बहुत सारे लोग सानू वट्सएप ते फेसबुक ते कमेंट्स कर रहे हैं अपने अपने स्नेह कर रहे हैं। फेसबुक ते सानू चौधरी शफाक साहब कहते हैं जी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है सुभान अल्लाह। तो वह माँ बाप के बारे उन्होंने कहा कि माँ बाप का मुकाम तो हक बहुत उच्चा है। असं बिल्कुल शफाक साहब इस बारे गल करांगे। ज़मीरुल हसन साहब कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम बड़ा बाकायदगी तुहाडा प्रोग्राम सुनना बहुत शुक्रिया। ज़मीर साहब लाहौर तो एक बड़ी उच्ची हस्ती मुमताज़ मलिक साहब बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर तो इंटलैक्ट ने बड़े ये सानू सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया। तो कहते हैं जी तुहाडी गलबात बड़ी सोहनी है तो सलामत रहो तुहाडा बहुत शुक्रिया। तो इमरान बेग साहब सानू पूछ रहे हैं कि जिहड़ा तुसीं ऐलान किया है जिहड़ी तुसीं नशिस्त रखी है वो बारे एक बार फिर दसो। तो तुहानू फिर दसनी जी अज शामी 6 बजे पंजाब आर्ट्स काउंसल तुसीं पढ़ना है तो उत्थे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नाल एक खसूसी नशिस्त का प्रबंध किया गया है। तो वहाज अहमद साहब जिहड़े कि एक मन्ने परमन्ने सीरत निगार ने उत्थे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नाल गलबात करेंगे। हुण असीं एक नात मुबारक सुनने फिर परत के आने वापस सुनते रहना FM पंजाब रंग 99.4 जी। तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 ते इस वेले पेश किया जा रहा है प्रोग्राम नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम 0333-9291-5030 ते बहुत सारे लोग सानू मैसेज कर रहे हैं असीं उन्हां दा भी जिक्र करने हैं। ते फेसबुक ते सानू मैसेज कमेंट किया है अबू हुरैरा होरां ने कहिंदे ने कि माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है ते बड़ा कुछ सीखण नू मिल रहा है। बिलाल खान ये भी सुन रहे हैं जी फेसबुक पर इन्होंने कमेंट किया है बिलाल खान इन्हों का नाम है तो कहते हैं जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो सानू फोन किया हाजी इम्तियाज साहब ने सदीके अकबर चौक तो उन्होंने एक सवाल भी किया उसी सवाल जरा वहाज अहमद साहब होर अगे रखा। तो ये कहें जी मैं टोक सईदा के नेड़े गरजा ग्रां तो
गल करना पे ते प्रोग्राम की तारीफ की। शेह हजूर साहब जड़े ने वह कहते हैं जी कि अज के जरा थोड़े मौजूआत ने सारे बड़े चंगे मौजूआत ने, तो खास कर वह कहते हैं कि माँ बाप का जो मकाम है उदे वाले उन्होंने कहा कि रब ते उदे हबीब तो बाद माँ प्यो ही सब तो वड्डी हस्ती है, तो जिहड़ा वह कहिंदे ने कि अगर माँ प्यो जिंदा ने तो उन्हां दी खिदमत करो, तो अगर जिंदा नहीं तो उन्हां लई दुआ करो। तो इहदे नाल सानूं शायद पट्टी होरां ने टोक माजर तो पैगाम कर लिया, तो उन्होंने कहा कि प्रोग्राम बहुत चंगा है, तो असीं बड़े शौक नाल सुन रहे हां ते बड़ा कुछ सीख रहे हां। तो असी अज का जो प्रोग्राम है उन्होंने तीन हिस्सों तकसीम किया। सब तो पहले असी गल कर रहे हैं सीरत के हवाले नाल, अज असी अजवाज मुताहरात विचों हज़रत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने बारे उन्होंने पाक जिंदगी दे बारे गल कर रहे हैं। ए बाद असी दूसरे हिस्से गल करांगे माँ बाप का मकाम, तो तीजे हिस्से असी जो सवाल है तुहाडे सवालों एक जो सवाल चुने अज कुरान किवें पढ़िए ये असी इहदे ते गल करांगे। तो मैं गुजारिश करांगा वहाज अहमद साहब नूं कि असी अपनी गलबात नूं जारी रखिए। जी वहाज साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। अज़वाज मुतहरात के निकाह के टाइम जो नबी सस्म ने हक महर अदा किया लिखवाया उसके बारे में तुहानूं सिर्फ जरा हल्का जिहा दस देवां। हज़रत उम्मे हबीबा के अलावा जिन्हों का हक महर सब तो ज़्यादा सी, ते हज़रत खदीजा का हक महर जरा बाकी तमाम तो ज़्यादा सी, इन्ह दो खवातीन के अलावा नबी सस्म की तमाम अज़वाज मुतहरात का हक महर 400 दिरहम तो क्रॉस नहीं होया जिस तरह मुर्रखीन ने बयान किया है। हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सस्म निकाह ते रुखसती के बाद नबी सस्म की हज़रत आयशा तो कोई औलाद नहीं है जनाब, और हज़रत आयशा वाहिद अज़वाज मुतहरात शामिल ने इस एजाज़ के नाल कि उन्हों की इस तो पहले नबी सस्म तो पहले कोई शादी नहीं सी, कवारी खातून सर, और बाकी तमाम अज़वाज मुतहरात या बेवा या तलाक याफ्ता या दोने सन, उन्हें इस कोई भी ऐसी नहीं है जी इस तो पहले तलाक या शादी न बेवगी ना हुई हुए। और हज़रत जवेरिया हज़रत मारिया किप्तिया जी लौंडी सी उन्हों का डेफिनेटली जरा मुख्तलिफ मामला है क्योंकि वह लौंडी सन, तो उन्हों का तलाक याफ्ता भी नहीं है तो बेवा भी नहीं, लेकिन और चूंकि लौंडी सन उन्होंने डिफरेंट मुकाम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने नबी सस्म के नाल काफ़ी क्लोज टाइम गुजारिया, 9.5 साल तो ज़्यादा उन्होंने टाइम गुजरिया, इस वजह तो हज़रत आयशा के नबी सस्म के बारे अकवाल भी बहुत ज़्यादा ने, बाकी अज़वाज मुतहरात तमाम तो ज़्यादा ने। हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला के मुकाम को देखते हुए मुनाफिकीन ने एक दफ़ा उन्होंने बड़े गलत इल्ज़ाम लाए, बड़ा मशहूर वाक्य वाकया एफक का सुनया होगा, मैं उसे सिर्फ थोड़ी जी थोड़े सामने मैं उसकी डिटेल बयान करना चाहता चंद मखसूस हवानिया के नाल, ताकि सानू क्लैरिटी आए कि नबी ससम का दीन की तरवीज के मामले दीन की जजा तो सज़ा के मामले नबी ससम का तरीकाकार की सी। हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला थी कुछ मुनाफिकीन ने गज़वा मुरैसा गज़वा मुस्तलिक मनु मुस्तलिक खानदान के नाल सी, उस कबीले के नाल सी, गज़वा मुरैसा भी उन्होंने कहते हैं, और या गालिबन गज़वा सुवैक इन किसी एक गज़वे का है जिद वापसी नबी ससम जो वापस आ रहे सन, तो बड़ा लंबा चौड़ा काफिला सी, तो हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पिछे रह गई, और जो जागियां तो गालिबन उन्होंने हार गुम हो गया सी, तो तलाशी थोड़ा जहा उन्होंने टाइम लग गया, बहरहाल वो लेट हुई, तो बाद नाल काफले दे नाल शामिल हुई हैं। और उसे गजबे दे इस वापसी दे मामलात एक मामला यह भी है कि हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने जड़ा उन्होंने होदज से जिस तरह साड़ी गावं ग्रावं तुसी वेखते हो डोली वेखते हो डोली की तरह की चीज़ होदज जिन्होंने कहते सन, वो डाची तो ऊंट के उत्ते रखी होंगी सी, अज़वाज मुतहरात तो सारी बापरदा खवातीन के अंदर बैठदियाँ सन, हज़रत खदी आयशा भी उस दिन बैठी सन। हज़रत आयशा सदीका का वजन काफ़ी घट सी, नौजवान खातून सन, इस वास्ते जिन्हों लोगों ने जोड़े जिम्मेदार सन उन्होंने वह होदज चुक के रखना सी ऊंट के उत्ते, खाली से उन्होंने रख दिता तो चल पे, उन्होंने पता नहीं होदज अंदर खाली है। बाद हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जदों जागियां तो उन्होंने पता लगा कि जी काफिला तो चल पे, लेकिन खुशकिस्मती नाल नबी सस्म की इंतजामी उमूर के ऐन मुताबिक एक साहबी की जिम्मेदारी सी, गालिबन एक तो ज़्यादा सन, उन्होंने एक दी जिम्मेदारी सी जे चल के जो काफिला एक जगह तो रात गुजार के मूव करता सी चलता सी अगे, तो वह पिछे रह के जब सारे निकल जाते सन वो बाद चेक करते सन कोई चीज़ कोई बंदा कोई मालो मता कोई चीज़ कोई जानवर पिछे रहते नहीं गया, तो उन्होंने जो चेक किया उन्होंने पता लगे कि खातून जी है वो आराम कर रही है, उन्होंने आके करीब देखे तो पछाण लिया,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਂਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਨਬੀ ਸਰਸਮ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕਬੀਲੇ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਕਾਰਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਨ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਊਂਟ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ, ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਚਾਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਕਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਅਜ਼ਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ, ਅਮਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਇਸ ਮੌਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਫਸੀਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਾਹਰਾਤ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜਵਾਜ ਉਮਾਹਤ ਹੁਕਮ ਔਰ ਉਨਕੀ ਨਬੀ ਸਸਮ ਕੀ ਬੀਵੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਬੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਟੋਸ਼ ਦੀ ਡਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਔਰ ਨਬੀ ਸਸਮ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਸਸਮ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਵਹੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਹੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਬੀ ਸਸਮ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਦੇ ਘਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਫਸੀਲੀ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਬੀ ਸਸਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਬੀ ਸਸਮ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਸਸਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਸਸਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਪਾਕੀ ਮੇਰੀ ਪਾਕੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਜ਼ਗੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੁਲ ਗੁਪਾੜੇ ਦੇ ਝੂਠ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਹੋਣੇ ਦਾ, ਖੁਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰੇ ਨੂਰ ਦੀ ਆਯਾਤ ਪੂਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਰੁਕੂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਯਾਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਸੂਰੇ ਨੂਰ ਦੀ ਆਯਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਰੇ ਨੂਰ ਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਯਤ ਜਿਹੜੀ ਆਯਤ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸਾਥ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਕੌੜੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜਮ ਹੋਏਗਾ ਸਟੋਨ ਟੂ ਡੈਥ, ਯਾਨੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਸਸਮ ਨੇ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 4 ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸੀ ਕੁਰਾਨ ਇਸੀ ਸੂਰੇ ਨੂਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸੀ ਜਬਰੀਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਉਸੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਰਫੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ 100 ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ 100 ਕੋੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ 80 ਕੋੜੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 20 ਕੋੜੇ ਕੱਟਣੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁਰਮ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੀ ਮਾਸੂਮ ਕਿਸੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਖਾਤੂਨ 'ਤੇ ਕਿਸੀ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 4 ਗਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ 2 ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਉਹ 4 ਗਵਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 80 ਕੋਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਬੀ ਸੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਮ ਨੇ ਇਸ ਉਸੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੂੰਕਿ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਬੀ ਸਸਮ ਨੇ ਖਾਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬੈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਸਸਮ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਨਾ ਰਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਨਬੀ ਸਸਮ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੱਸਾ
लिता अल्लाह ताला ने कुरान की आयत के तहत पहले सरजनिश की थी कि इन्होंने यह क्यों नहीं सोचा कि इस तरह तो हो ही नहीं सकता। जिन्हें सोचा भी उन्होंने भी अल्लाह ताला ने मुजरम करार दिता कि इन्हें भी गलती की थी। उन्होंने पॉजिटिव सोच यानी हुस्ने जन अल्लाह ताला ने तकरीबन फर्ज करार दिता कि हुस्ने जन लाजमी है इंसान के समाजी मामलों के अंदर। हमेशा यह सोचो कि यह गल फलां के बारे स्कैंडल यह खबर आई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सूरे नूर च अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिता है। तो इस नाल ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुस्न ज़न्नी मिन हुस्न अल-इबाद है। हुस्ने जन रखना, हुस्ने जन की है कि तुहाडे बारे च एक बंदे दे बारे तुहाडे कोल गल आए कि इन्हें यह किया, तुसीं कहने नहीं हो सकता यह बड़ा चंगा बंदा यार, वो अगला कहे जी नहीं इन्हें यह किया, तुसीं कहने नहीं इंज नहीं हो सकता, शायद उन्होंने गलतफहमी, शायद तैन सुनने गलतफहमी हुई है, शायद वो परेशानी सी, शायद को मजबूरी सी, तो तुसीं उन्होंने सौ तो जिहाद पेश करो पेश करोगे जनाब, वो ये शामिल नहीं हो सकता। यह हुस्ने जन अल्लाह ताला ने इसनों बहुत पसंद किया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है नबी सल्लम की जबान तो हुस्न जन ने मिन हुस्न अल-इबाद। हुस्ने जन रखना, पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोच रखना बंदगी की खूबसूरती है, बेहतरीन बंदगी है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले के अंदर चूंकि कुरान का हुक्म सी कि कोड़े लगनगे उन्होंने लोगों ने जिन्होंने इस इल्ज़ाम हिस्सा डालिया है, और नबी सल्लम के जिहड़ी आयात नाजिल हुई हैं जिब्रील इस्लाम लैके आए सूरे नूर दी, उन्हें गालिबत चार या पाँच नंबर आयत है सूरे नूर दी जिहदे च अल्लाह ताला दे अल्फाज ने वला ताखुज बिहिमा राफतन फी दीनिल्लाह, जजा ते सजा दे मामले च कोई तुहाडे विचों रहम ना खाए, तरस ना खाए। जजा सजा दीन दी शरीयत दी सजावां च रहम कोई नहीं है, यह रहम नहीं है, यह ते मखलूक दी भलाई है, इहदे जिहड़ा तरस खाएगा वह जुलम करेगा। इस उसूल के तहत किसी की खलासी किसी की जान बख्शी नहीं सी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इनफॉर्मेशन तुहाडे च अक्सर शायद नहीं पहुँची होगी, मैं बयान कर दिंदा क्योंकि अक्सर असी साहबा ते साहबियात दे मामलात नूं जिथे गलतियां हुई असी तो पर्दा पाते हैं अपने हुस्ने जन के मामले, लेकिन चूंकि शरीयत नूं बयान करना भी जरूरी है और कुछ चीज़ों बयान में तुहाडे को तुहाडे सामने सुनने वाले के सामने वो परत खुलते हैं जिहड़े उमूमी मामलात नहीं खुले होंगे, वह खोलना भी जरूरी है। इस वास्ते मैं बयान कर रहा कि नबी सल्लम ने कुरान दे सूरे नूर दे उसूल के मुताबिक कि जिन्हें इल्जाम लाया तो प्रूव नहीं कर सकया, चार गवाह नहीं रह गया, उन्होंने 80 कोड़े लगन के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी साथी अपने शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नातवान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पोक्समैन वजीर इतलात हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला नू जिहड़े इस गलती शामिल सन उन्होंने 80 कोड़े लगवाए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी नबी ससन के घर मौजूद हजरत जैनब की बहन हिमना बिन तजाश जिहड़ी इस गुनाह शामिल सी, हिमना बिन तजाश जिहड़ी फुफो की बेटी भी सी ते नबी ससन की जोजा की भैन भी सी, साली भी सी, उन्हों भी उस खातून ने भी नबी ससन ने 80 कोड़े उन्होंने लवाए। यह शरीयत का नबी ससन की सीरत का वह हिस्सा है जिहड़ा लोगों को पता होना चाहिए कि जिहड़ा बड़े गुनाह के अंदर पेगा उदा जिहड़ा मर्जी मामला है जिहड़ा मर्जी मुकाम है उसको सज़ा मिलेगी। नबी ससन ने अपने उसूल के तहत इसको अपनाया है और इससे कोई शक नहीं, तारीख की सीरत की किताबा वेख लो, मुतअद्दिद अहादीस एक आदमी मुतअद्दिद अहादीस तुहानू इहदा तज़किरा मिल जाएगा कि हसन बिन साबित नूं कोड़े लगवाए और हज़रत हिमना नूं कोड़े लगवाए। अल्लाह ताला ने दुनियावी सज़ा के तहत इंसान के गुनाह माफ़ कर दिंदा है, वो बड़े मुक्तदर लोग सन, नबी सल्लम दे सहाबा सन, और लेकिन अल्लाह ताला की शरीयत ही बड़ी खूबसूरत है, साढ़े जैसे नलायक ते नाहंजार लोगों को तरबियत देने वास्ते अल्लाह ताला ने उन्हां पाक लोगों को भी गुनाह करवाए तो उन्होंने सवाद सजा दिलवाई ताकि सानू कोई शक ना रहे। इस तरीके ना नबी सल्लम ने हज़रत आयशा के मामले मुख्तलिफ अहकाम जारी किए तो अपने दो साथियों जिन्हें एक नबी सल्लम के करीबी रिश्तेदार भी सी और दूसरा भी बाद रिश्तेदार बन गया सी। कैसे? हज़रत हसन बिन साबित की जोजा शीरीन किप्तिया हज़रत मारिया किप्तिया की बहन है। हज़रत मारिया किप्तिया मुकोस मिस्र ने दो बांदियाँ भेजिया सन नबी सल्लम के हदिया के तौर पर, जदों नबी सल्लम ने उत्थे दीन की तबलीग वास्ते खत लिखा वापस जो उत्थे आए तोहफे तहाइफ लेके आए और दो खवातीन मारिया किप्तिया और शीरीन किप्तिया वो आईया तो उन्होंने भाई बाउर नाम गल ना सी माउर या बाउर ना सी वो मुसलमान नहीं होया वह क्रिश्चन ही रहा है दो क्रिश्चन तो मुसलमान हो गया ईसाई तो मुसलमान हो गया तो उन्होंने जी शीरीन सी उन्होंने निकाह नबी सल्लम ने हसन बिन साबित नाल किया यानी हसन बिन साबित हज़रत मारिया किप्तिया की वजह तो शीरीन की वजह तो नबी सल्लम के हमजुल्फ ने लेकिन दीन की तरवीज दीन की सज़ा के मामले नबी सल्लम ने अपने हमजुल्फ नूं भी नहीं छोड़िया वला ताखुज़ बिहिमा राफतन फी दीनिल्लाह और अल्लाह ताला दे दीन के मामले सज़ा और जजा के मामले तरस नहीं खाना तरस खाने की इजाजत नहीं है। यह बस मैसेज मैं तुहानूं देना सी प्रोग्राम अगे चलांदे जी।
जी एक नात मुबारक सुनने फिर परत के आने वापस ते गलबात दा सिलसिला जारी रहेगा। तुसी भी साडे प्रोग्राम दा हिस्सा बनो 0333-9291-5530 ते सानू मैसेज करो ते कॉल करो सानू 0151-9291-5520। जी परत के एक बार फिर तुहाडी खिदमत च हाजिर हां। तुसी सुन रहे एफएम पंजाब रंग 91.4 ते प्रोग्राम नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर जुमे नूं प्रोग्राम सवेरे 10-12 बजे तक पेश किया जाता है। अज भी असीं तुहाडी खिदमत च हाजिर हां ते अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है इहनूं असीं 3 हिस्सें च तकसीम किया। सब तो पहले असीं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले नाल जिहड़ा अज दा मौजू है साडा ओह हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हां दी ख्यात मुबारक दे बारे असीं गल कर रहे हां। इस तों बाद असीं गल करांगे वालदैन दे मकाम उस बारे असीं गल करांगे ते प्रोग्राम दे अखीर विच जिहड़ा तुहाडा एक सवाल है कि कुरान किवें पढ़िया जाए कुरान दे बारे से गल करांगे। ते बहुत सारे लोग सानू मैसेज कर रहे ने 0333-9291-5530 ते मिर्जा इसहाक साहब अडियाला रोड तो कहंदे ने जी प्रोग्राम बहुत अच्छा मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया तुहाडा। साजिद साहब इस्लामाबाद तो ने ते प्रोग्राम नूं पसंद कर रहे ने। आजाद कश्मीर तो वकार साहब ने ते वकार साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। ते कुछ मैसेज सानू फेसबुक ते भी आए ने। गोहरे नयाब कहंदे ने जी अस्सलाम वालेकुम ते कहंदे ने कि जी उन्होंने एक मैसेज किया है जिहड़ा असीं अपने प्रोग्राम च जरूर शामिल करांगे ते इहदे नाल ही मुहम्मद नईम साहब ने भी प्रोग्राम पसंद किया ते असीं अपनी गलबात नूं अगे लैके चलने आं। असीं गल कर रहे हां हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हां दी ख्यात मुबारक दे बारे ते मैं गुजारिश करांगा वहाज अहमद साहब नूं कि ओह अपनी गलबात नूं जारी रखण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला दे कुछ ज़ाती मामलात दे बारे गलबात कर लईए। अल्लाह ताला ने इन्हां नूं बहुत हुसने सीरत ते हुसने सूरत दोनों दौलतों नाल बारियाब किया सी। उन्हां दा रंग सुरख सफेद रंग सी। उन्होंने हुमैरा हमर अरबी जबान सुरख अहमर कहंदे ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हुमैरा दे नाल पुकारदे सन सुरख सफेद रंगत वाली। हल्का फुलका बदन सी उन्हां दा। अवाज मतारा सारे दे ही हालात सन सिवाय हजरत सौदा दे जिन्हां दी उम्र ज़्यादा सी ते सारे दे बदन वो ओबेसिटी या ओवर वेट दा खैर नामो निशान दूर दूर तक कोई नहीं। क्योंकि खुराक बड़ी लिमिटेड होंदी सी ते बड़ी नापतोल रोज़ेदार बहुत ज़्यादा सन और खुश खुराकी वद वाले मामलात वो नहीं सन। बहुत एहतियात नाल बहुत कम खुराक नाल जिंदगी गुजार रही सन। इस वास्ते सारे दा जिहड़ा वजन दा मामला सी बड़ी नहायत दुबली पत्ती सारे सन। हज़रत आयशा दा भी यही मामला सी और हज़रत आयशा दे तरह इहदी जिंदगी गुजारन दा जो मामूल सी। एक उन्हां कोल हार सी काले ते सफेद उहदे च मोती लगे होंदे सन वह अक्सर पहनदी सन ते हत्थां च अक्सर कदे कदे लोगां नूं सोने दी अंगूठियां भी उंगलियां ते नज़र आ जांदियां सन। और हज़रत आयशा सदीका इको ही जोड़ा गालिबन सुरख रंग दा जोड़ा सी। सारी उम्र उको ही पाया उन्हीं तो के बार बार पाउंदियां सन ते उन्हां दे सर ते अक्सर लोगां जिन्हां ने वेख्या जिहड़े चंद करीबी रिश्तेदार भांजे भतीजे वगैरह जिहड़े है सन उन्होंने जिहड़ा वेख्या ते बयान किया उहदे मुताबिक वह सुरख जोड़ा ही हमेशा पाया होंदा सी उन्होंने और सर ते उन्होंने काले रंग की चादर रखी होंदी सी। यह उन्होंने टोटल लिबास सी। इहदे अलावा उस जमाने के हिसाब नाल कदरे कीमती लिबास जिहड़ा 5 दिरहम दा सी और एक रेशमी फॉर्मल ड्रैस सी जिहड़ा हज़रत आयशा दे गलबन हो सकदा है उन्होंने अपनी शादी का होवे वह उन्हां कोल पिया सी या किसी ने उन्होंने तोहफे दित्ता सी ते वह हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा आपे नहीं सन पाउंदियां। मदीना में जदों भी किसी के घर किसी गरीब के घर किसी लड़की का निकाह होंदा रुखसती होंदी थे वह खातून नो उस लड़की नो उस बहू नो हज़रत आयशा सदीका ए जोड़ा तोहफतन कुछ टाइम लिए उधारा दे देंदे सन ताकि वह नवे कपड़े अफोर्ड नहीं सी कर पाउंदियां ते वह आसानी करन वास्ते उन्होंने एक जोड़ा रखिया सी। रेंट दे देने की बजाय तोहफतन देंदियां सन कि 10 दिन वास्ते लै जा 10 दिन बाद वापस कर दी ते फिर उन्होंने को पिया होंदा सी। वह एक खिदमत हज़रत आयशा की तरफों मदीना दी इन नौजवान लड़कियों वास्ते तकरीबन 40-45 साल लगे रही क्योंकि नबी सल्लम की हयात के बाद मदीना दी दे च नबी सल्लम के बाद भी उन्होंने हयात रही और तकरीबन गालिबन 48 हिजरी च उन्होंने वफात हुई सी। उसके आस पास मुख्तलिफ अकवाल ने अगर 48-47 हिजरी भी है तो तकरीबन अच्छा खासा टाइम कोई 4 अशरिया तो ज़्यादा बन गया जिस खिदमत उन्होंने जारी सारी रही। हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे जिंदगी बड़ी सिंपल बड़ी सादा सी। फरमांदे सन कि अज़वाज मुतहरात दे घर विच बाद औकात 3-3 दिन तक कोई खाना नहीं सी बगदा और कुछ घरां विच पूरा पूरा महीना अग नहीं सी जल्दी और लोग कहंदे जी गुजारा किस तरह होंदा सी ते ओह कहंदे सन दो काली चीज़ां ते लोगों ने मुराद यह लिया एक खजूर काली खजूर ते एक पानी बर्तन दे अंदर पानी काला ही नज़र आंदा है। दो काली चीज़ां ते सर गुजारा चलदा सी यानी रोज़ेदार बहुत ज़्यादा सन इबादत गुजार बहुत ज़्यादा सन
और इसी तरह उन्होंने जिंदगी का मामूल रहा। नबी सरसम के नाल बहुत ज़्यादा कुर के मामलात उन्होंने सन। नबी सरसम के खानगी जिंदगी का बहुत ज़्यादा पता हजरत आयशा के तरह के अकवाल ना आता है। नबी सरसम के घर का साइज कितना सी हजरत आयशा की एक हदीस तो पता लग जाता है। फरमादियां ने कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों रात के टाइम तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते सन तो वह मैं उन्होंने सामने लेटी आती स तो जदों नबी सरसम सजदे जाते तो मैं जिस तरह टी बनता है ना नबी सरसम सीधी किबले की तरफ तो हजरत आयशा किबले के मुतवाजी लेटिया ने। नबी सरसम जो सजदा करना तो हजरत आयशा के कदम से हजरत आयशा की टंगा से हाथ रखना वो समझ जाना उन्होंने टंग क्लोज करनी पैर क्लोज करने यानी वह सिमट के साइड पर हो जाती हैं। नबी सरसम सजदा अदा फरमा देंगे। नबी सरसम जो क्याम करते तो दोबारा सीधी तरह लेट के यानी सजदे के मुकाम से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के पैर होंगे सन। यह क्यों सी जगह मुख्तसर सी यह नबी सरसम के घर का नक्शा सी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर टोटल इतना साइज सी कि टोटल तीनों ही कबर आई एक नबी सरसम की एक हजरत उमर की एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा की। हजरत आयशा अपने वास्ते उधर कबर की जगह नहीं बची ए टोटल घर का साइज सी और हाइट कितनी सी एक साबी नबी सरसम के विसाल के बाद उस घर के अंदर गया जिसके बाद बाद मकबरा रोज़ा मुबारक बिल्कुल बंद हो गया और उसके बाद तो आज तक उसके दरवाजे खिड़कियाँ कोई मौजूद नहीं ने कोई अंदर नहीं जा सकता गलबन पिछले कोई 600-700 साल तो यही मामला चल रहा है। उस तो पहले जो आखिरी बंदा अंदर गया उन्हें जरा दसिया साबियाँ चो उन्हें की दसिया कि जो मैं रोज़ा मुबारक के अंदर जाके हुजरा मुबारक के अंदर जाके मैं खड़ा होया और मैंने अपने सर के उत्ते हाथ रखिया इस तरह मुठ्ठी का एक हिस्सा मेरे सर नूं टच हो रहा सी ते मुठ्ठी का दूसरा हिस्सा छत नूं टच हो रहा सी यानी टोटल 6.5 फुट 6 फुट की छत सी टोटल और यह नबी सरसम के घर का टोटल साइज 6 to 8-10 फुट टोटल साइज है और 6.5-6.5 फुट जमीन तो हाइट है और दरवाजे ते एक परदा लटकया हुंदा सी वो उदों लटकाया जदों उम्मे सलमा की शादी हुई हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश की शादी हुई और परदे के अहकामात सूरह अहज़ाब के नाजिल हुए उस दिन जिस दिन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश का वलीमा गलबन चल रहा है हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के मामला डिस्कस करेंगे उस दिन नाजिल हुई परदे की आयात और नबी सरसम ने दरवाजे परदा लटका दिता वरला परदा नहीं हुंदा दरवाजा इस तरह खुला हुंदा सी। ए नबी सरसम का मुख्तलस मुख्तसर सरवर कायनात दो जहान के सरदार बादशाह का घर सी ए महल सी टोटल ए पता सानू लगता है हजरत आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अकवाल नाल ए उन्हां दा उम्मत एहसान है जी जज़ाकअल्लाह जी। तुसीं सुन रहे हो FM पंजाब रंग निर्मेशर के चार तो बहुत सारे लोग सानू मैसेज कर रहे हैं। मुहम्मद नईम साहब कहते हैं जी माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है तो पुछते हैं कि अज का जो इवेंट है जी नशिस्त है वो कह रहे हैं कि असी हाजिर हो सकते हैं तो यदि कोई फीस तो नहीं तो बिल्कुल जी यदि कोई फीस नहीं है तुम आओ बड़े शौक न आओ सारे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले ये नशिस्त है जी जी दावत आम है सबन तो असवा हसना तो अगर तुम अमल करना चाहते हो उसके लिए जरूरी है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करो उसके बारे च अगर तो नहीं मालूम तो मन्ने पर मन्ने सीरत निगार बहाज अहमद साहब जो ने अज एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि जोड़ा है वह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नाल गलबात करेंगे तो यदा टाइम है जी शामी 6 बजे पंजाब आर्ट काउंसिल नज़द पिंडी क्रिकेट स्टेडियम तुम इतने पढ़ना है तो प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। तो मैं तुम दसदा चलना कि यासर मलक साहब ने भी सानू कमेंट किया तो कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है तो ये बालाकोट तो सलीम साहब सानू सुन रहे हैं तुम मैसेज किया बहुत शुक्रिया तुम प्रोग्राम पसंद किया जिंदे वसते रहो। रावलपिंडी तो सानू मैसेज किया जी आमर राजा साहब ने तो कहते हैं कि प्रोग्राम सुन के तो बड़ा चंगा लग रहा एक रूहानी कैफियत आ रही होगी जींदे रहो आमर जी। तो दमयाल चकनी रोड तो अब्दुल मोहित साहब भी सानू सुन रहे हैं तो उन्होंने भी प्रोग्राम पसंद किया। तो मेरा ख्याल है कि असी हूँ प्रोग्राम के अगले हिस्से वाल चलने जोड़ा कि अज का साडा दूसरा मौजू है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते गलबात चलती रहेगी हूँ असी गल करने जरा उसवाए हसना दे जिहड़ा असीं अज मौजू चुनिया है वह है जी माँ बाप का मकाम। तो मैं चाहवांगा कि वहाज साहब तुसीं इस हवाले नाल साडे सुनन वालियां नूं दसो जी। माँ बाप के मुकाम के बारे अरदास पेश करन तो पहले मैं अज हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के जो मामलात ने उन्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जी अब मैं स्पेशली जहन च रखी सी कि मैं अपनी भैणा दे और पाइया के बजुर्गों के सामने पेश करा मैं उन्होंने जरा पेश कर देवा और परदे के मामलात ने हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चूंकि अज़वाज मुतहरात च वह खातून जिन तू सब तो ज़्यादा अहादीस मरवी ने इस वास्ते नबी सरसम के अहकाम और उन्हों की बजावरी
ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਮਾਤਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਅਕਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਅਫਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਐਸੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਐਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਸੱਲ ਸਲਮ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਾਲਿਬਨ ਕੋਈ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਹਜ ਇਸ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਐਸੀ ਕਿ ਹਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਇਡਾਫੀ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਬਾਰਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਹਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਰਦੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੁਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਹਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 2.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੀ ਹੁਜਰਾ ਮੁਬਾਰਕ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਸਾਥੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਹੁਜਰਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੇ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਏ ਤਰਫ ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੇ ਸਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਕਬਰ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਮੁਮਕਿਨ ਤਰੀਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਉਸ ਮਿੰਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਜਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜੀ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਮਸੱਲਾ ਇਤਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਜਦਾ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੇ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਇਸੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸੱਲਾ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਸਜਦੇ ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੇ ਸਜਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌੜੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਸਜਦਾ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਦੇ ਹੋਜਰੇ 'ਚ ਦੋ ਕਬਰਾਂ ਸਨ, ਵਾਲਦ ਦੀ ਅਤੇ ਸੁਸਰ ਦੀ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੀ, ਔਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿਖੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਜਵਾਰਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਰਾਨੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਜਰ ਮਾਰੇ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 6-7 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਸੀ, ਖਲੀਫਾ ਸੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਐਸਨ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਜੈਸੇ ਹੀ ਹੁਜਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਪਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਜਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਪਰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਹਰ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਸਲਮ, ਇੱਕ ਵਾਲਿਦ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਸੀ। ਕਬਰ
लेकिन फिर भी अंदर नहीं सी आंदी है। एक नाबीना साहबी आया और नाबीना साहबी आया हताशे तो सवाल पूछण ली इसहाक आजमी इसहाक आमा और उन्होंने पता लगे नाम दस कि हताशा आपसे पर्दा फरमा रही है। इन्होंने कहा कि तुम मैं तो पर्दा क्यों कर दो मैं तो अन्ना वा। हताशा ने फरमाया कि तू अन्ना है मैं अन्ना नहीं मैं अन्नी नहीं है मैंने तो नजर आ रहा है। वह पर्दा कर दी सन खवातीन भी पर्दा करते सन मर्द भी पर्दा करते सन। अल्लाह ताला सारे नू सानू इस पर्दे नू समझन ते इसके मुताबिक अलमाल करने की तौफीक अता फरमाए जी। जज़ाकअल्लाह खैर जी। तुसी सुन रहे हो एफएम पंजाब रंग निवेशर ये चार ते बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं ते वहाई साहब की गुफ्तगू नू बड़ा पसंद कर रहे हैं। यासर मलिक साहब ने एक बार फिर मैसेज किया उन्होंने कॉल भी की थी, उन्होंने गुजारिश की थी। सब तो पहले तो कहते हैं कि जी तुसी बड़ा ही अच्छा एक लैक्चर दे रहे हो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले ने जी तुसी गल्लां दस रहे हो सानू नहीं सी पता तो सुन के साडा ईमान ताज़ा हो गए ने। तो उन्होंने गुजारिश की है कि यह दफ्तर के औकात ने तो तुसी कोशिश करो कि यह प्रोग्राम अगर रिपीट भी कर सको तो बिल्कुल असी जरा ना वर्कआउट करा कि असी इन किस तरह मैनेज कर सकते हैं। रवात सिटी तो अब्दुल्ला मुगल साहब प्रोग्राम का हिस्सा बने ने उन्होंने कहा जी प्रोग्राम बहुत चंगे तो वारिस शाह का कलाम अगर तुम सू सुना दो तो ये सू कमेंट किया जी। गजनफर अली साहब ने कहते हैं जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है तो उन्होंने भी प्रोग्राम की तारीफ की है। तो प्रोग्राम के सिलसिले में अगे बधाने तो सुना एक नात मुबारक फिर असं पढ़ के आवेंगे वापस तो असी गल करांगे वालदैन यानी कि माँ प्यो दे उन्हां दा मकाम की है तो उन्हां दा हक की है इस हवाले नाल गल करांगे। सुनते रहना एफ एम पंजाब रंग 99.4 जी। तुसी सुन रहे हो एफ एम पंजाब रंग 99.4 ते मैं नासिर अहमद वहाज अहमद साहब गल कर रहे ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले नाल। ते प्रोग्राम दा असी प्रोग्राम नू तीन हिस्सों च वंडिया है। पहले हिस्से च असी गल की सीरत के हवाले नाल ते असी सब तो पहले अजवाज मुताहरात के हवाले नाल एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है। हज़रत हदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस तो बाद हज़रत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा अज असी गल की हज़रत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। ते हुण प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है उसवा हसना के हवाले नाल ते उदा जेड़ा मौजू है जिसी चुनिया वह है माँ प्यो का हक ते मुकाम। ते बहुत सारे लोग सानू मैसेज कर रहे हैं 0333-9292-5530 ते सानू फेसबुक ते भी बड़े लोगों ने मैसेज कर लेना। सानू मैसेज किया जनाब कराची तो सानू मैसेज किया रहीला रफी साहिबा ने कहंदियां ने प्रोग्राम बहुत अच्छा है ते उन्होंने माशाल्लाह किया बहुत शुक्रिया। सानू मैसेज किया जी नजमुन निसा साहिबा ने इन्होंने भी प्रोग्राम की तारीफ की है। ये गजनफर अली साहब ने कहा जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो कुछ होर लोग भी सानू उन्होंने मैसेज किया तो असं उन्होंने भी जिक्र करा तो मैं गुजारिश करांगा वहाज अहमद साहब न कि हूँ असी गल करिए माँ प्यो के हक के मकाम के बारे जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात चंद ऐसे लोग ने जिन्हों के जनाजे ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार तो ज़्यादा तकबीरात पढ़िया। हज़रत हमजा दी कबर ते उन्होंने जनाजे ते चार तो ज़्यादा पढ़िया। हज़रत अबू सलमा हज़रत उम्मे सलमा ज़ौजा मुताहरा दे शौहर जिहड़े नबी सल्लम दे दूध पीते भाई भी ने रज़ाई भाई ने उन्हां दी कबर ते नबी सल्लम ने जब उन्होंने जनाजा पढ़िया वफात दे टाइम और दफनान तो पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौ तकबीरात पढ़िया। साहबा ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन कोई भूल चुक तो नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं हुई मैं नौ तकबीरात पढ़िया ने। तो अबू सलमा 1000 तकबीरात तो भी ज़्यादा का अहल सी। यह अबू सलमा का मकाम है जिदी जोजा जिदी बेवा उम्मे सलमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। लेकिन एक और खातून जिन्हों के नाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बल्कि इस तो कोई ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल का मामला रखे उन्होंने विसाल के टाइम वह है ने अबू तालिब की जोजा हज़रत अली की वालदा फातमा बिनते असद जिन्हें नबी सल्लम की वालदा की वफात जोड़ी 4-5 साल की उम्र मुबारक हुई वह बाद नबी सल्लम की सारी उम्र परवरिश मदीना के हिजरत के टाइम तक नबी सल्लम के नाल वालदा का मामला जिस खातून ने रखिया क्योंकि सोएबा साइड से हो गई हलीमा सादिया अपने पिंड चली गई बनी साद के कबीले मक्का तो बाहर सी काफ़ी बार सी जिहड़ी खातून है सी जिन्हें माँ का मामला रखिया एक उम्मे अमन है और एक हज़रत
फातमा बिनते असद नबी सलम की चाची जिन्हें माँ का रोल अदा किया। जदों फातमा बिनते असद रजी अल्लाह तआला का विसाल होया हज़रत अली की वालदा का जनाब अबू तालिब की जोजा का नबी सलम की तकरीबन वालदा का जिन्हें पालिया पैदा नहीं किया लेकिन पालिया नबी सलम ने उन्होंने विसाल के मौका से मदीना की हिजरत के बाद का मामला है। नबी सलम ने बहुत गम का इजहार किया। नबी सलम ने कबर मुबारक की खुदाई वास्ते खसूसी तौर पर पार्टी तरतीब दी कि फलां फलां तो फलां कट्ठे मिल के कबर बनावण गए तो नबी सलम उहदे च खुद शामिल होए, कबर खोदने च खुद शामिल होए। गालिबन वाहिद खातून जिहदी कबर की खुदाइश नबी सलम शामिल होए एजाज फातमा बिनते असद नूं मिला क्योंकि वालदा सी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहलावन ते कफनान वास्ते एक पार्टी तरतीब दी जिहड़े करीबी महरम रिश्तेदार सन और नबी सलम ने उन्हां दी इंस्ट्रक्शन उन्होंने पास कीते। जदों कबर तैयार हो गई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लैके गए जन्नतुल बकी च। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबर मुबारक के अंदर लेट के अल्लाह ताला तों मगफरत दी दरजात दी बुलंदी दी दुआं कीतियां। की पढ़िया लोगों ने नहीं पता लेकिन यह पता है कि नबी सलम ने हज़रत फातिमा बिनते असद वास्ते खसूसी तौर पर एहतमाम फरमाया ताकि अल्लाह ताला उनते रहम फरमाए आराम आसानी फरमाए। तो फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्होंने जनाजा पढ़ाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार तकबीरात नहीं पांच नहीं छे नहीं बल्कि नौ तकबीरात पढ़िया। वालदा नूं प्रोटोकॉल की देना सी, वालदा चूंकि हयात नहीं सी लेकिन वालदा की जगह सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने जाती अमल के नाल एक मैसेज दिता कि वालदा का हक की है, वालदा का प्रोटोकॉल की है। बाकी लोगों वास्ते चार तकबीरात, वालदा वास्ते नौ तकबीरात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपनी सुन्नत नाल एक अमल करके दिखा दिता। नबी सलम ने एक दफा फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि काश मेरी माँ जिंदा होंगी तो मैं नमाज पढ़िया होंगे तो मेरी माँ मैं आवाज़ कहती कि या मुहम्मद या अहमद तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी माँ जी की हुक्म है। अगर अल्लाह ताला दे नाल मुलाकात जिहड़ी इंसान की मुलाकात का बेहतरीन तरीका है, इस तो बेहतर तरीका ही कोई नहीं है नमाज, उस नमाज नूं तोड़ के वालदा की नमाज, वालदा की कॉल, वालदा की आवाज़, उहदी निदा पुकार नूं लबैक कहना, हाँ कहना, जी माजी कहना दा नबी ससम ने इजाजत दी है। तो खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर मेरी वालदा होंगी तो मैं करदा तो तुसी अंदाज़ा लगा लो कि वालदा की कॉल तो इलावा कोई चीज़ दुनिया च कैसी हो सकती है जिसकी जरूरत जिसकी अहमियत तुसी वालदा की आवाज़ ओ पुत्रा इधर आ जा उस तो ज़्यादा वड्डी तो जरूरी हो। बच्चों ने यह चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वालदा जो बुलाती है तो उसका मकाम की होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात बहुत सारे ऐसे वाकयात किए, ऐसे मामलात किए, ऐसे अहकाम जारी किए जितों पता लगता है कि वालदा तो वालदैन का मकाम दुनिया में की है। नबी सल्लम की हादीस तो पता लगता है कि जो शबे महराज जिन्होंने असं कहते हैं मंडी लग जाती है आखिरी शबे महराज की रात को, शबे कदर की रात रमज़ान की जिद एतकाफ की रातों में वह शबे कदर की 25वीं या 27वीं या जी भी ताक रात है वह जो मामलात ने आम माफ़ी के मामलात वो बारे एक तफसीली हदीस है जिसका मुख्तसर मामला यह है कि जिबरील अलैहि सलाम फरमाते ने नबी सलम के असी फरिश्तों की रहमत के फरिश्तों के टोलों के नाल मैं उन्होंने सारी महफलों घूमता फिर रब के आलों मैं सहर के टाम ऐलान करा दा रब की तरफों के सारे के सारे बख्शे गए जिन्होंने बख्शिश की दुआ की इस रात जगराता काटिया तो रब तो बख्शिश के मफफरत दर्जात की बुलंदी की दुआ कीतियाँ सारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए सिवाए तीन अफराद के। एक आदि शराबी जरा आदि हो गया, आदत हो गई शराब पीण की, पानी की वर्गा शराब पीना शुरू कर गया। नंबर एक। नंबर दो, जो दो मुसलमान आपस में नाराज़ हुए बैठे ने, कता तालुक करिए बैठे ने, ते दिल च कदूरत रखे बैठे ने, एक दूसरे नाल तालुक खत्म करके बैठ गए ने, ए ते तीसरा बदकिस्मत आदमी जरा इस मंडी में भी 33 नंबर लैके पास नहीं आता तो उसकी बख्शिश इस रमज़ान के आखिरी अशे इन्हों रोज़ों के बाद इन्हों अफ्तारियों के सदका खरात के बाद इस इतकाफ के बाद और शबे कदर की इबादतों के गुजारशात के बाद जिते मंडी लगी है उत्थे भी पास नहीं आता, उसकी मगफरत नहीं आती। कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान के मुताबिक माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप की नाफरमानी जरा करता है वो इस मंडी से पास नहीं आता। ए नबी सलम के अहकाम ने एक चीज़ मैं और जरा बाद बयान करूँगा और ज़्यादा खतरनाक है ताकि थोड़े तो जहन रहे उदे तो पहले मैं एक और चीज़ उन्होंने बयान करदा। हज़रत उमर तआला ने अपने जमाने जड़े फैसले किए दरबारे उमर के फैसले ने नबी सलम के अहकाम के कुरान के अहकाम के ऐन मुताबिक ने। एक उन्होंने को एक केस आया जिदा फैसला नबी सलम के अहकाम के मुताबिक किया गया, वह की सी? एक बंदे के हथों गुस्से या गलती जो तरीके जो भी सी अपना बेटा कतल हो गया, उन्हें को वार मारे बेटा मर गया। वह केस हज़रत उमर के दरबार च आया। हज़रत उमर ने फरमाया कि इहदे किसास की रकम इहदे बदले वालिद कतल नहीं हो सकता, इहदी दियत होगी किसास नहीं होगा। किसास है बंदे दे बदले बंदा मारना,
दियत है जुर्माने की रकम अदा करना। अरब के मामलात में 100 ऊंट जो भी सी होंदे होंदे करंसी चाया गालिबन 37.5 किलो चांदी अजकल के हिसाब से बनती है। जो भी ये फुकहा का मसला है, मेरा मामला सीरत के नाल है, वह तुम असं दसणगे। बहरहाल जी दियत की रकम गौरमेंट हर साल एक डेक्लेरेट कर देती है, वो मुताबिक उस टाइम जी दियत की रकम देनी सी, हजरत उमर ने ऑर्डर दिता कि ये जो खानदान वाले लोग ने वो सारे दियत की रकम इकट्ठी कर दियत दी जाएगी। लोग कट्ठे हो गए, लोगों ने सारा कुछ कर करा के जो कुछ बेचना खरीदना सी रकम इकट्ठी की। जो रकम इकट्ठी हो गई और सारा खानदान आ गया तो लोग हैरान सन कि रकम किनू देंगे, बिकॉज बाप तो उसका कातिल है, तो रकम सारी खानदान ने इकट्ठी की, होर क्या वारिस है, बच्चे उदे है नहीं ने। हजरत उमर ने ऑर्डर दिता तो वालिद किधर है, वालिद सामने बैठा से उनकी जी वालिद है मौजूद है। हजरत उमर ने ऑर्डर दिता सारी दियत की रकम इसके वालिद ने दे दो। लोगों ने क्या तो कातिल सी, हजरत उमर ने फरमाया बाप बेटे के कतल के बदले कतल नहीं हो सकता और बाप बेटे का उसकी हयात वारिस है, यह रकम सारी की सारी वालिद के हवाले कर दो। यह वे वालिद का मुकाम, अल्लाह ताला नबी सस्म की नज़र में जिहड़ा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने करके विखाया, यह तुहानू पता होना चाहिए। अगर वालिद का मुकाम इतना है कि बेटे नू अगर गलती नाल उसके हथों कतल हो गया, किसी वजह तो कतले साहब हो गया, कतले खता हो गया, कतल कायम खता हो गया, कायम मकाम खता हो गया, या कतले अहमद होया, या कतल बेसबब किसी भी तरीके नाल होया, अल्लाह ताला ने उसके बदले उन्हें ना कतल करवाया बल्कि उसकी दियत की रकम उसके वालिद को हैंड ओवर कर दी, हवाले कर दी, जो उसका कातिल सी। तो वालिद दे तुसी मकाम का अंदाजा लगा लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मिश्कात शरीफ की हदीस की मशहूर किताब की हदीस है, गालिबन जुमे के फजाइल के अंदर तस्करा उसका है, नफरत की दुआओं से तस्करा है, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का मफहूम है कि जिहड़ा बच्चा जिहड़ा इंसान अपने वालदैन एक या दो की वफात के बाद हर जुमे रेगुलरली बाकायदगी नाल हर जुमे उसकी कबर से जाके वालदा या वालिद या दोवां की कबर से जाके जिहड़े फोत हो चुके ने मगफरत की दुआ कबर से जाके जुमे के दिन जाके करता है। अल्लाह ताला इस दुआ के बदले, इस रेगुलरिटी, इस जुमे के दिन की फजीलत के बदले, इस अमल के बदले इस बेटे ने बेटी नूं अगर उसकी जिंदगी अपने वालदैन की जिंदगी उन्हां दी हयात च नाफरमान भी सी, फिर भी अल्लाह ताला इस अमल के बदले च अल्लाह ताला इस बेटे बेटी नूं वालदैन का फरमा बरदार लिख देगा, नाफरमान च नहीं लिखेगा। और वालदैन का नाफरमान उसका हिसाब किताब की है, यह मैं जरा थोड़ा जहा तफसीली गल करांगा, उसके तो पहले मेरे ख्याल थोड़ी जिधर मैं प्रोग्राम का फॉर्मेट फॉलो होगा उसके बाद इंशाल्लाह मैं तुहानूं दसूंगा कि नबी सल्लम ने एक साहबी के मौत के वक्त की खुतबा इरशाद फरमाया, साढ़े सारे वास्ते बहुत बड़ा सबक है उसके अंदर, जरा गौर न सुनना, उन्होंने मिस ना करना, साढ़े वास्ते वालदैन वास्ते बच्चों वास्ते बहुत ज़्यादा जरूरी पैगाम है। जज़ाकअल्लाह जी। जी बहुत सारे लोग सूँ फेसबुक से व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हैं, रोजी साहिबा रोजी रिजवाना उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लाहौर तो सुन रही ने, तो रोजी जी असं तुम जिया कहने तीन ननिया मुनिया भैन जीडिया ने कट्ठिया सू सुन रही ने जी, जारा ते मरवा ते दिलावेज ते कहंदियां ने कि असं बड़े शौक नाल तुहाडा प्रोग्राम सुन रही हाँ, तो बहुत शुक्रिया तुहाडा। रवाद तो मुहम्मद इस्माइल साहब सानू सुन रहे हैं, तो प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं। मैं एक बार फिर तुम दसदा चला कि अज शामी 6 बजे मरी रोड पंजाब आर्ट्स काउंसिल जोड़ा कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम मरी रोड तो बिल्कुल नज़दीक है, तो उत्थे तुसी अपना शामी 6 बजे उत्थे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नाल एक नशिस्त का अहतमाम किया गया है, तो यदि कोई फीस नहीं है, तुसी उत्थे जरूर आना तो प्रोग्राम का हिस्सा बनना। हूँ सुनते हैं एक नात, तो फिर परत के आने वापस सुनते रहना एफ एम पंजाब रंग 99.4। तुसी सुन रहे हो एफ एम पंजाब रंग 99.4, तो प्रोग्राम पेश किया जा रहा है नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे लोग सानू मैसेज कर रहे हैं तो सानू कमेंट भी कर रहे हैं। जहूर अहमद जतोई साहब ने पंडोरा तो सानू मैसेज किया है, तो कहते हैं जी तुहाडा प्रोग्राम जिहड़ा नसीहतां ते हदायतां नाल भरिया होया है, तो सुन के बड़ा चंगा लगा, तो बहुत शुक्रिया जतोई साहब। एवं तुसी साडा जिहड़ा ना इंजी सुनते रहो, साडा रेडियो जिंदे वसदे रहो, तो तुहाडे पैगामां नाल ही साडी हौसला अफजाई हुंदी है। आयशा बहाज और सानू उन्होंने सानू लाइक किया, साडे प्रोग्राम नूं पसंद किया। साइमा हजाज भी सानू सुन रही ने, रोजी रिजवाना लाहौर तो यह सानू सुन रही ने, रोजी साहिबा रोजी रिजवाना जिंदे वसदे रहो। गोहरे नायाब ने सानू साडे प्रोग्राम नूं पसंद किया, इन्हां दे नाल नाल गजनफर अली, तस्लीम खान, मुहम्मद नईम, जाहिद जमान हैदर,
ਤੇ ਜ਼ੈਗਮ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਵਸੀਮ, ਸਿਦਰਾ ਏਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਜ਼ਮੀਰੁਲ ਹਸਨ, ਅਬੂ ਹਰੈਰਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਛੋਈ ਹੈ ਉਸਵੇ ਹਸਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਹਾਜ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਫਤਗੂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਜੀ ਵਹਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮੀਨ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਫਰਦਨ ਫਰਦਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਲਿਬਨ 7 ਮਰਤਬ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਤੁਰ ਸ਼ਿਕ ਬਿੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਕਮਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾ ਬੁਨੈ ਅਲਾ ਤੁਸ਼ਕ ਬਿੱਲਾ ਫਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨ ਅਹਿਸਾਨਾ, ਐ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ। ਫਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨ ਅਹਿਸਾਨਾ, ਔਰ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨੇ ਸਕੂਲ ਸਲੂਕ ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ 7 ਮਰਤਬਾ 7 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 7 ਮੋਲਿਕ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। 7 ਮੋਲਿਕ, ਮੋਲਿਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਖਰਵੀ ਹਲਾਕ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਕਰਾ ਹੈ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੀ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕ ਪਾਕਬਾਸ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੀ ਨਾਪਾਕੀ ਦਾ, ਉਸ ਖਾਤੂਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ, ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮੋਹਲਿਕ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਹਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹੰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਦੀਸ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੰਜ਼ਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਦਰ ਸਾਹਬੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਇਸ਼ਾ ਦੇ ਤਸਕਰੇ 'ਚ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਲਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਸਾਥੀਆਂ ਸਾਹਬਾ ਸਾਹਬੀਆਤ ਤੋਂ ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤਲਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਦੀ ਹਯਾਤ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਮੌਤ ਹਯਾਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਗ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਂਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ, ਵਹੀ ਨਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੌਰਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ? ਉਹ ਨੱਠੀ ਨੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾਹ ਸੱਸਮ ਹੁਕਮ। ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਫਤਰ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੁਫਤਰ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਗਜ਼ਵਾ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਜਰੀਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਸਮਝ ਗਏ ਔਰ ਨਬਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜਾ ਮੁਕਤਦਰ ਸਾਹਬੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਵੀਜ਼ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਵਾਲਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਗਲੀ ਬਾਤ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਨੇ ਗਲਬਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਰਤਬਾ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਮਾਨ ਬਦ ਅਖਲਾਕ। ਇਹ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਲਾਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਦੇ ਵਾਲਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਘਰ 'ਚ ਵਾਲਦੈਨ ਵਾਲਦਾ ਅਤੇ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁਸਨ ਅਖਲਾਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
बेवकूफी है कि जेड़े जितने ज्यादा हकदार ने उन्हां दी हक तलफी हो रही है, जेड़े हकदार नहीं है उन्हां ते सारा कुछ नछावर हो रहा है। यह इखलाक दा तजाद है जेड़ा साड़ी जनरेशन ते पिछले जनरेशन सारी जनरेशन ज्यादा पैदा हो चुके हैं, जिन्हें लोग खत्म नहीं कर पा रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदा तो उसकी वालदा ने गुजारिश की थी कि माफ़ कर दे, उन्होंने कहा मैं नहीं माफ़ कर दी, दिल नहीं कर रहा मेरा। नबी सल्लम ने मजबूर नहीं किया, अल्लाह ताला नू मंजूर ही सी। नबी सल्लम ने साहबा ने जो करीब बैठे सन उन्होंने कहा कि लकड़ियाँ कट्ठी करो, खुश्क लकड़ियाँ। साहबा हैरान हो गए, या रसूलल्लाह सल्लम लकड़ियाँ क्यों? उन्होंने फरमाया जी लकड़ियाँ कट्ठी करो, अग लाओ, इनू जिंदा जला दो, शायद इस जिंदगी जिंदा अग जलन की वजह तो अल्लाह ताला इसका आखिरत का अज़ाब इस तो चुक ले, तो आखिरत के अज़ाब तो इसकी खुलासी पैदा हो जाए, इसका अजाला फिदिया हो जाए, गुनाह का कफारा हो जाए। जदों यह उसकी वालदा ने सुनिया, वालदा तो वालदा होंगी है, वालदा ने कहा नहीं इतना भी मेरे दुश्मनी मेरे पुत्र नाल नहीं है, मेरे पुत्र नाल तुसी इस तरह जिंदा ना जलाओ, मैंने उन्होंने माफ़ कर दिता। जो वालदा ने कहा माफ़ कर दिता, थोड़ी देर बाद एक मैसेंजर एक संदेशा उसके घरों आया, उन्हें कहा जी हंजला की जान निकल गई, हंजला फौत हो गया, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी वालदा ने माफ़ किया, अल्लाह ताला के रहम के दरवाजे खुले, उसकी जान कुनी होगी, जान निकल गई उसकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हंजला की खबर मुबारक से खुद बैठे जनाजा खुद पढ़ाया, उन्होंने साबी सन जन्नत बकी जो उन्होंने खबर है गालिबन। कबर मुबारक से मट्टी पाने तो बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर खुतबा खिलाफ मामूल दिता, और खुतबा की सी उसका खुलासा की सी उस खुतबे का। गालिबन नबी सल्लम ने कबर मुबारक बैठ के गालिबन ने एक खुतबा दिता सी, और सारे साहबा इसी तरह बैठे सन सुन रहे सन, सारे सारे मामले का पता सी, साबी दे अजमत का उसके खिदमात का भी पता सी, आखिरी वक्त के वालदा नाल मामले का पता भी सी, नबी सल्लम के हुक्म का पता भी सी। नबी सल्लम ने उस कबर मुबारक से बैठ के वालदैन के हुकूक का फराइज का उन्होंने हक का तस्करा किया, तो नाल ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिता, मंशूर बयान कर दिता रब की तरफों। वो की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मुसलमान तो उसकी वालदा या उसका वालिद चाहे दोनों चाहे इको इस दुनिया तो नाराज चले गए, तो उन्होंने उसने राजी नहीं किया, इस मुसलमान की कोई इबादत कोई फर्ज कोई वाजिब कोई सुन्नत कोई नफल कोई मुस्ताब किसी किस्म की इबादत कोई कुरान कोई हज कोई रोज़ा कोई जक़ात कोई सदका कोई खरात कोई भी इबादत अल्लाह ताला के हाँ मकबूल नहीं है, सारा कुछ मुँह ते मार दिता जाएगा। जेड़ा साढ़े तो इन्ना वड्डा बदमाश है कि रब ने नाल जाके टक्कर मार सकता है नाऊज़ बिल्ला, कि अपने अमाल की जबरदस्ती रब तो अजर ले सकता है, वह तो माँ बाप के नाल जी बदमाशी करना चाहता है करता रहे, तो जिन्हों पता है तो हकीकत है कि कोई इस रब तो यह जन्नत जबरदस्ती नहीं ला सकता, अपने किसी अमल के बदले नहीं ला सकता। अगर गज़वे बदर गज़वे ओहद गज़वे खंदक इन्हां दे गज़वात शामिल सहाबी हिजरत शामिल सहाबी जिदे हथों सैकड़ों मुसलमान हुए, अगर उदे बादे बारे नबी सल्लम का फरमान यह सी कि अगर वालदा इतों नाराज गई और इस तरह चुकया गया तो जहन्नम गया, तो बाकी साड़ी की औकात। सानू इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए है कि कोई भी नेकी किसी इंसान के कम नहीं आएगी अगर उसके वालदैन उस तो नाफरमान ने वालदैन नाराज ने तो बच्चा नाफरमान है। नबी सल्लम ने मिंबर मुबारक से कदम रखते हुए तीन दफा दुआ की थी, दुआ भी है बदुआ भी है, उन्होंने एक ऐसी एक दुआ की से कि जड़ा सदका करता है अल्लाह ताला उन्हों मजीद दे कदी तंगदस ना हो, और जिब्रील अलैहि सलाम ने आमीन किया। और एक सी जिस तो उसके वालदैन नाराज गए उन्होंने राजी नहीं रख सकिया, जिंदगी वालदा या वालिद मिले तो राजी उन्होंने नहीं कर सकिया, तो जन्नत नहीं कमा सकिया, उन्होंने बारे नबी सल्लम ने बड़े सख्त अल्फाज बदवा की, जिब्रील ने आमीन किया। ए वालदैन का मुकाम सिर्फ एक वाक्य मैं इसके बाद तस्करा करूँगा, वो इंशाल्लाह प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक नासिर साहब की गल के बाद इंशाल्लाह तस्करा करेंगे। जज़ाकअल्लाह जी। जी असी प्रोग्राम अगे वधाने तो गल माँ प्यो की हो रही है, वालदैन के हक और उन्होंने मुकाम के हवाले गल हो रही है, तो बाप की शान तुम सुना फिर प्रतिक्रिया ने वापस सुनते रहने फिर पंजाब रंग 99.4। जी तुम सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4, तो प्रोग्राम का वेला जोड़ा वो तकरीबन मुकन वाला है। अफरीन होर ने सानू इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी तो मैसेज कर लिया, वो कहते हैं कि सारे सुनने वाले सलाम, तो कहते हैं कि वालदैन के हवाले न बड़ी ही सोहनी तुम गल की है, तो वालद का जो कलाम सुनाया इन्हें तो सा दिल ही चीर दिता है,
ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਲੀਆ ਹਿਜ਼ਰ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਕੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਫ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਲੀਆ ਹਿਜ਼ਰ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਮਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਵਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਜੀ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬਾਤਚੀਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਉਹ ਹੱਕ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀਉੱਲਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ ਮੁਫੱਸਿਰ, ਮੁਹੱਦਿਸ, ਸੂਫੀ, ਫਕੀਹ, ਆਲਮੇ ਦੀਨ, ਮੁਫੱਸਿਰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਆਲਾ ਪਾਏ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਵਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, 7 ਵਸੀਅਤਾਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਸੀਅਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਡੀ ਇਸ ਉਮਤ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਕਰੀਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ, ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੋਚ ਦਾ ਅਮਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤ ਸਨ, ਔਰ ਲੈਵਲ ਐਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਰੀਖੀ ਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਦੇ ਦੋ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੋਲਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇੰਤਹਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਗਲੀਆ ਖਾਨਦਾਨ, ਮੁਗਲੀਆ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਬਹਿਸੀਅਤ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਟੂ ਲਫਜ਼ ਤਰਜਮਾ, ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਤਰਜਮਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ 99.9% ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਫਸੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਤਰਜਮਾ ਕੁਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਲਾਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੋ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਮਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਲ 'ਚ ਇਤਨੇ ਕੁਰਾਨ, ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਇਤਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਅਕਸਰ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਜਮੇ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ, ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨੀ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਰੁਕੂ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ, ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਾ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਲੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਨਵੀਂ ਸਿਸਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ
कि जो मुसलमान रोज सुबह दे टाइम कुरान की एक आयत नूं समझ के पढ़ लेंदा है, उस वास्ते ए एक आयत दा समझ नाल पढ़ना सुबह दे टाइम या पूरे दिन दे टाइम 100 रकात नफल पढ़न तो ज़्यादा अजर है। और जो कुरान दा एक टॉपिक तलाक एक टॉपिक है, विरासत एक टॉपिक है, वजू करना एक टॉपिक है, तमाम एक टॉपिक है, जिहड़ा एक टॉपिक नूं सुबह दे टाइम कुरान नूं पढ़ के समझ ले उस वास्ते 1000 नफल रकात पढ़न तो ज़्यादा अजर है। यानी इस दा अजर इलम दा अजर उस इबादत तो बहुत ज़्यादा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि जो मुसलमान मफहूम उस हदीस दा है कि जो मुसलमान इस एक दिन दी रूटीन विच 200 कुरान दी आयात रेगुलर पढ़दा रहे, हर रोज़ पढ़दा रहे, उस दे वास्ते इतना अजर है कि उस दे आस पास दी 7 कबरां विच भी 7 कबरां वाले मुर्दियां वास्ते भी उस दी सिफारिश कबूल की जाएगी। इस कुरान दी फजीलत नूं अगले प्रोग्राम में जारी रखांगे ते वालदैन दे हुकूक दे बारे में इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जारी होएगा। मैं तुहानूं अपना लिंक भी शेयर कर दिया जिससे तुहानूं मेरी सीरत दी जी रिकॉर्डिंग्स ने उन्हां दा वैब पेज नज़र आ जाएगा यूट्यूब दा, उन्हूं फॉलो करो, तुहानूं सारी चीज़ें डिटेल दे नाल इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा। बहुत मेहरबानी, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। लो जी, ए दे नाल ही अज दे प्रोग्राम दा वेला मुकदा है। सईद हिदायत हुसैन शराजी और आने मरदान तो प्रोग्राम नूं पसंद किया है ते बहुत शुक्रिया तुहाडा। ते असी अज दे प्रोग्राम नूं इत्थे खत्म करने हैं ते इंशाल्लाह फिर अगले जुमे नूं इत्थों ही गल नूं शुरू करांगे। उदों तक सानूं इजाजत दिओ, रब रखा।